आजमगढ़ के सिधारी थाना के खोजापुर में इस समय कुछ दबंगों का आतंक है। पिछले कई दिनों से लोगों को मारपीट चुके हैं। मुकदमा भी उनके ऊपर दर्ज है, लेकिन फिलहाल मुकदमे का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। इसी क्रम में सोमवार को खोजापुर गांव के निवासी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हरिगेंद राम निषाद ने परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। हरिगेंद राम निषाद के अनुसार उनका पौत्र पीयूष निषाद 30 अगस्त को घर से सामुदायिक शौचालय की तरफ जा रहा था, तभी दो बाइक से रामेंद्र यादव निवासी खोजापुर, आकाश निषाद, आनंद निषाद, कृष्णा निषाद निवासी चककालिका थाना सिधारी समेत अन्य दबंग वहां दो बाइक से आए और पीयूष को अनाप शनाप कुछ बोलने लगे। पीयूष ने जब विरोध किया तो धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिए, उसको मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। इस पर उसका इलाज सदर अस्पताल में किया कराया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि इससे पूर्व भी गांव के अन्य दो परिवारों के घरों में घुसकर इन दबंगों ने मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से इनका मन बढ़ता गया। अब पीड़ित के पौत्र पर ही बिना कोई बात के हमला कर दिया। कुल मिलाकर इनका मकसद गांव में खौफ का माहौल पैदा करना है, लेकिन स्थानीय पुलिस इनको रोकने में नाकाफी साबित हो रही है। हरिगेंद राम साहनी, कहाँ के रहने वाले? खोजापुर थाना सिधारी। क्या मामला हुआ था? मामला यही है कि ये लैट्रिन करने आया लड़का, अब चार पांच मिला, इसको मोबाइल तो उतारने लगे, छीनने लगे, ये नहीं दिया। अब उस बाद वो सब जो है मिल करके इसको अटक करके मारने लगे। तब तक हम लोग कोई नहीं वहाँ पर था और ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद हम लोग उठाकर आनंद फानन में सदर हॉस्पिटल एडमिट किए 30 तारीख को, वहाँ जो है आज रिलीव हुआ है 2 तारीख को। बेहोश होकर के एकदम वही गिरा पड़ा। इस तरीके से मतलब लोग चुनौती वगैरह करके मनबढ़ाई करते हैं? हाँ, मनबढ़ाई यही है उन लोगों की, इसी का था। मोबाइल लगे छे ऐसे ऐसे टोने हैं, जब ये नहीं धक्का धुक्की दिया तो अब सब बाँह पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, मारने पीटने लगे। गांव में भी इस तरीके से करते हैं? अगर गांव में क्या, अभी अभी लाला एक है श्रीवास्तव, उनके घर में घुस करके उनका सर और फीटे, वो भी FIR है। एक बगल में चौरसिया है, उनके घर में घुस करके उनको सब मारे हैं, ये भी वो भी FIR है उन्हीं के नाम से। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय हो हमारे साथ। अनायास में हमारा पोता मारा गया है, इसके साथ जो है न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है? पीयूष निषाद सर। पीयूष निषाद कहाँ के रहने वाले? खोजापुर थाना सिधारी। क्या मामला है इसके साथ? सर मैं सुबह सुबह लैट्रिन करने के लिए गया था। कब? सर सुबह करीब करीब 8 बजे। किस दिन? सर 30 तारीख को। हाँ, तो सर पीछे से दो बाइक आ रहे हैं, 5-6 लोग, और बेवजह हमको पीटने लगे सर। कुछ हाथ में ईंट वगैरह लिए थे और कुछ एक हथियार भी लिए थे। और सर फिर मैं उसके बाद मेरा सर चकरा गया सर, मैं ज़मीन पे गिर गया और मुझको वहाँ पे बहुत पीटे। क्या क्या नाम है? पहचानते हैं सर? पहचानता हूँ सर, एक का प्रवीण निषाद, आकाश निषाद, आनंद निषाद सर, और भी 2-3 लोग थे, रामेंद्र यादव भी थे जो, और सर और भी 2-3 लोग थे सर, मैं ध्यान में नहीं आ रहा। क्या वजह की आपको मारे सर? बेवजह, बेवजह। पहले से कुछ मामला? नो सर। जमीन वगैरह का कुछ और? नहीं सर, नहीं। अच्छा, नहीं। तब से आप एडमिट थे हॉस्पिटल? यस सर, 30 तारीख से मैं एडमिट था सर, अभी आधे घंटे पहले अभी को छूट के आ रहा हूँ वहाँ से अस्पताल से। यस सर। क्या चाहते हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि हमारे साथ न्याय हो, और क्या।